मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार रियल एस्टेट ग्रुप के सुपर चेके चेयरमैन आरके अरोड़ा से ईडी की पूछताछ जारी है। जी हां, आरके अरोड़ा को ईडी ने मंगलवार को तीसरी दौर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने अगले दिन यानी कि बुधवार को 10 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर अरोड़ा को भेज दिया था। बुधवार को अरोड़ा को दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया था, जहां सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगाला ने ईडी की सिफारिश पर उन्हें 10 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। आरके अरोड़ा पर होम वायर्स के साथ धोखाधड़ी करने के अलावा 1500 करोड़ बैंक लोन की हेराफेरी का आरोप भी लगा है। अब 10 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर आरके अरोड़ा रहने वाले, ईडी 10 जुलाई तक आरके अरोड़ा से जो है वो पूछताछ करेगी। बताया जा रहा पूछताछ पहले से ही चल रही थी, लेकिन तीसरे दौर की जब पूछताछ हुई ईडी की, उसके बाद शायद आरके अरोड़ा पूछताछ में उस तरीके से बातों को नहीं बता रहे थे जो ईडी जानना चाहती थी, जिन सवालों के जवाब जो है जानना चाहती थी, और यही वजह है कि फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो आरके अरोड़ा को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, 10 जुलाई तक ईडी की हिरासत में देखिए भेजा गया है। ईडी लगातार आरके अरोड़ा से जो है वो पूछताछ कर रही है। धोखाधड़ी और जालसाजी में आरके अरोड़ा जो है वो फंसे हैं। भावना हमारी सहयोगी और अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं। भावना, सबसे पहले आपका ये बताइए कि ईडी की पूछताछ चल रही है, भावना तीन बार पहले भी पूछताछ हो चुकी थी, तीन दौर की पूछताछ हो चुकी थी, शायद सवालों का जवाब ठीक तरीके से आरके अरोड़ा नहीं दे रहे थे, इसीलिए गिरफ्तारी हुई और अब 10 जुलाई तक ईडी रिमांड पर है। 10 जुलाई तक आरके अरोड़ा ईडी पूछताछ पे रहेंगे, लेकिन आप जिस होम बायर्स की बात कर रहे हैं, जो अपने पूरे जीवन कमाई का जो पैसा है वो अपने आशियाने में लगा देते हैं, लोगों का सपना होता है कि उनका अपना घर हो, अपना मकान हो, और इसीलिए लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। सुपरटेक की एक बिल्डिंग मौजूद है जहां पर तमाम परिवार के लोग इस वक्त हमारे मौजूद है। वो हमसे बता रहे थे कि कितना दुख होता है कि 8 साल से वो जिस फ्लैट में रह रहे हैं, जिस विला में रह रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। उन्हें इस बात का डर सताता है कि कभी भी ये घर खाली करना पड़ जाएगा। कुछ लोग हैं परिवार, उनसे बात कर लेते हैं। वरुण जी, किस तरह का डर होता है? आरके अरोड़ा तो चले गए ईडी कस्टडी में, अब आगे आप किस तरह से देख रहे हैं? आरके अरोड़ा के जेल में जाने के बाद में तो हमको और डर लग गया कि हमारा क्या होगा। पूरा अरोड़ा परिवार ने हमको सड़क पर लाकर छोड़ दिया। हमारे छोटे बच्चे, हमने अपने पूरा पैसा, जीवन की कमाई इस फ्लैट में लगा दी खरीदने में। हमारी रजिस्ट्री पिछले 8 साल से यहाँ पर नहीं हो पाई। सोसाइटी में उन्होंने दुगने से ज्यादा फ्लैट बना दिए इल्लीगल तरीके से, जिसके लिए अथॉरिटी और किसी ने कुछ नहीं करा। अब आज की डेट में भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अथॉरिटी तुरंत इनको इनकी लीज डेट कैंसिल करे, अपने कंट्रोल में ले। साथ ही सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार सारे के सारे इनके प्रमोटर्स को सबको जेल में भेजे, किसी एक को बाहर नहीं। आपने कब लिया था और कितने साल हो गए, रजिस्ट्री हुई क्या? 2015 में लिया था। मेरे दो फ्लैट हैं, एक स्टूडियो अपार्टमेंट और एक 2 BHK, और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना रजिस्ट्री हुई है ना कुछ हुआ है। और ये इतना करप्ट है कि ये लोग जो अलाउड नहीं है ट्रांसफर करना किसी और को जब तक रजिस्ट्री नहीं होती, और 2% चार्ज लेके 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेकर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये सब मेंटेनेंस चार्ज देते होंगे, तमाम तरह के खर्च होते होंगे, रजिस्ट्री है नहीं, बेच भी नहीं सकते आप तो फ्लैट। 6,000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं आप ये समझिए, 6,000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, अपनी घर की EMI दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भाई, इंडिया में पैदा होकर के गलती कर ली क्या हमने? हमको तो यही लगता है, मेरे को तो ऑफर आते हैं बाहर जाने के, लेकिन एक ये अपनी भारत देश से प्यार है, लेकिन क्या करें, चले जाएं यही सोचते हैं। जब कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, जब बिल्डर के साथ जो गवर्नमेंट है सब इन्वॉल्व है, GNIDA जो है वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर के हम लोग को जो हम लोग का दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। कभी कभी तो मन करता है कि आत्महत्या करके वहां पे लेटर लिख करके चले जाएं इन सबके अगेंस्ट। कुछ महिलाएं भी हैं, आंखों में आंसू है सिर्फ क्योंकि लोग मेहनत की कमाई जो है वो पूरा जीवन जो है अपनी कमाई लगा देते हैं। घर में आपका परिवार होगा, किस तरह का डर जो रहता है मन में वो आप लोग देखते हैं? मैम, पहले तो यही है कि घर, जिस घर में रह रहे हैं वो अपना ही नहीं है। हमने इतना पैसा लगा दिया, हम रजिस्टर्ड ही नहीं है, NPCL के मीटर नहीं लगे हैं हमारे यहाँ, मेंटेनेंस के नाम पे हर महीने 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है ये? क्या ना हमें बेसिक हमारी जो हमारी नीड्स हैं वो ही हमारे यहाँ पे काम नहीं करी। हम इलेक्ट्रिशियन, कुछ भी अगर आप इनसे बेसिक चीजें भी मांगो ना, अगर मेंटेनेंस है कि आपके यहाँ ड्रिल मशीन है। आरके अरोड़ा कभी मुलाकात करने उनकी टीम की तरफ से उनके बेटे कभी आए क्या? आए नहीं है, कोई नहीं आया है, कि हमें तो भरोसा है योगी जी के ऊपर, उनके अलावा कोई और हेल्प नहीं कर सकता इस चीज में। हम लोग लेडीज हैं, यहाँ से बाहर जाने के लिए भी इतनी दूर पड़ती है, कोई भी सामान ले रहे हो, कुछ भी हो, यहाँ पर कोई फैसिलिटीज उन्होंने दिया नहीं है। वी आर वेरी मच वरीड अबाउट द थिंग्स, बच्चों के लिए भी ना, इसके लिए भी। यहाँ कुछ न कुछ बाइक में से बच्चे को उठा के ले जाते हैं, कुछ न कुछ होता रहता है। वी नीड अ सपोर्ट फ्रॉम योगी जी,
एंड रजिस्ट्रेशन के लिए वो हमें मदद करें, वो आगे आना हम लोगों के लिए मदद करने के लिए चाहें तो वेल एंड गुड। देखिए श्वेता आंखें नम है क्योंकि देखिए घर तो ले लिया, लाखों रुपए दे दिए, रजिस्टर्ड नहीं है, वो घर बेच के कहीं जा भी नहीं सकते, बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में जब आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है, ईडी पूछताछ तो कर रही है, लेकिन जो लोग जिन्होंने घर खरीदे हैं उनकी परेशानी भी बढ़ गई है कि अब आगे क्या होगा। भावना बने रही है हमारे साथ, अभिषेक राज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक आप किस सोसाइटी के बाहर इस वक्त मौजूद है, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो गिरफ्तारी हो गई है, 10 जुलाई तक पूछताछ भी होगी, ईडी पूछताछ भी करेगी, लेकिन गिरफ्तारी के साथ लोगों का जो संदेह है, लोगों का जो विश्वास है वो और ज्यादा डगमगा रहा है कि अब उनका क्या होगा। देखिए जब आप नया घर खरीदते हैं तो क्या होता है, नया घर बनाते हैं तो क्या होता है, आप अक्सर वहां पे जाते हैं, देखते हैं कि अभी कितना बना है और कितना बनना है, कैसा बनना है। सनी जी हमारे साथ हैं, इसी में लिया है इन्होंने सुपरटेक, देखिए 74 का ये नॉर्थ आई है और इसी के अंदर इन्होंने स्टूडियो अपार्टमेंट लिया था, अभी तक इनको पोजिशन नहीं मिला है, लेकिन आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि कब तक बनेगा, कैसा बनेगा, किस तरीके से बनेगा। कब आपने लिया था इसको? ये हम सब लोगों ने फैमिली में 2008 से 2010 तक के बीच में पेमेंट करी थी और हमें वादा करा गया था कि 2014 के करीब हमारे को सितंबर तक हमारे को इसका पोजेशन मिल जाएगा। कितना रुपए दिया था आपने इसको बुक कराने? इसको बुक कराने के लिए उस समय 40 लाख रुपए दिया था। 40 लाख रुपए आपने दिए थे, जो कि उस समय तो एक प्रीमियम अमाउंट था। बेसिकली स्टूडियोज जो है उस समय करीब करीब मार्केट में 20 लाख रुपए के करीब आए जाते थे, लेकिन जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को बताया गया था कि यहाँ पे हेलीपैड बनेगा, बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज आएंगी और बुर्ज खलीफा की तरह ये इसे हमने इंडिया में बनाया है, टॉलेस्ट टावर होएगा, तो उस वजह से हमने यहाँ पे इस समय प्रीमियम दिया था ताकि हमारे को एक प्रीमियम प्रॉपर्टी मिल सके और हम उस पर एप्रिसिएशन कमा सकें और अच्छा रेंटल कमा सकें। अब जब आप यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, अभी तक आपको मिला नहीं है, फिर कैसा लगता है? देखिए बहुत बुरा लगता है, आदमी जो है कैसे कैसे पैसा जोड़ के जो है वो लगाता है इन बिल्डरों के पास और फिर बाद में जब 8-10 साल तक वो पैसे अटके रहते हैं तो दुख तो काफ़ी होता है। पोजीशन देने के लिए कब बोला था इन्होंने आप? 2013 से 14 के बीच में। और आपके तरह आपके कांटेक्ट में ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है? सी बेसिकली मैं खुद नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी बायर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ, 15,000 के करीब हम लोग हैं और उसमें से 6500 बायर जो है वो सुपरटेक के हैं, जो कि अधर में उनकी जो जिंदगी भर की जो कमाई है वो लटकी पड़ी है इस समय। अच्छा आपसे अगर समझना चाहें, आपने खुद 40 लाख रुपए इसमें लगाया है, एक अमूमन कितना ईएमआई एक परिवार का जाता होगा इस फ्लैट को लेने के लिए? इस फ्लैट को लेने के लिए अगर एक ईएमआई, देखो हम लोगों की तो थोड़ी सेल्फ फंडिंग थी, लेकिन हाँ अगर अमूमन अगर हम देखें तो लगभग 33,000 से 38,000 रुपए के बीच में एक ईएमआई जो है उनकी जाती होगी अगर उनका जो है 20 साल का लोन होगा तो। कभी कभी जब आप सुपरटेक के ऑफिस में जाते होंगे या मालिक से मिलने के लिए जाते होंगे, क्या कहा जाता था आपको, कब तक मिल जाएगा? देखिए मालिक साहब तो मिलते ही नहीं है और यहाँ क्या पूरे नोएडा में ही सभी बिल्डर्स का आपको पता ही है ये हाल है तो, लेकिन हाँ जो उनके स्टाफ मिला करते हैं तो यही सुनने को मिलता है हर बार की 6 महीने और 6 महीने और ऐसे करते करते करीब 9-10 साल तो और ऊपर हो ही गया है। हाँ जी, अब आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए, कितनी सख्त कार्रवाई इन लोगों पे होना चाहिए? देखिए हमारी तो हम लोगों ने हमारी एसोसिएशन की तरफ से सारे दरवाजे खटखटाए, हमने सीएम योगी जी को लेटर लिखे, अथॉरिटीज़ में गए, धरने किए, अब काफ़ी सारे लीगल केसेस भी कर रखे हैं इन बिल्डरों के खिलाफ और हम तो बस यही चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है योगी सरकार से और सारी अथॉरिटीज़ से कि जिस तरीके से आपने यूपी में जो है गैंगस्टर्स के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई करी है उस तरीके से ही सख्त कार्रवाई इन बिल्डर्स के खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे देखें तो 3.5 से 4 लाख फ्लैटों में से आज के टाइम में 1,80,000 फ्लैट जो हैं वो बीच अधर में, और जिन लोगों की पोजेशन भी मिल चुकी है इन बिल्डरों ने नोएडा अथॉरिटी की पेमेंट ना करने की वजह से वहाँ पर भी हम सफ़र कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, मतलब जिस फ्लैट में लोग रह रहे हैं उनका मालिकाना हक उन्हें नहीं मिला है, 3-4 साल से रह रहे हैं वो, तो वो भी ना होने के बराबर ही है जो लोग रह रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्या क्या रहे, वो लोगों को आज के टाइम में उनको रेंट भी देना है, अपनी ईएमआई भी देनी है, तो वो तो एक ही चीज़ दे सकता है ना अगर उसे अपने घर का खर्चा चलाना है तो, इसी वजह से वो बेचारा बिना मालिकाना हक के उन फ्लैट्स में रह रहा है, तो ये तो हाल है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का। क्या लगता है आपको कि अब तो जेल में सलाखों के पीछे हैं आरके अरोड़ा, अब आपको लगता है कि क्या आपको अपना सपनों का घर मिलेगा? देखिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें, ये जो सख्त कार्रवाई है, इन
बिल्डर्स के खिलाफ ये काफी पहले हो जानी चाहिए थी और अब जो है सरकार काफी सख्त जो है रूप अपना रही है और भी बिल्डर्स जो हैं उनको पिछले दिनों में उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करी गई है। तो लेट्स होप कि सरकार जो है अब बिल्कुल स्टर्न होके इन बिल्डर्स के खिलाफ आए और कुछ दो तीन साल में हम लोगों को हमारा आशियाना मिले और जिंदगी भर की कमाई लगा के जो हमने सोचा था कि इससे या तो रहेंगे या फिर इससे रेंटल इनकम कमाएंगे वो हम और हमारे एसोसिएशन के बाकी साथी हैं वो लोग कर सकें। जब आप लोग फ्लैट खरीदते हैं, अमूमन जब लोग जाते हैं फ्लैट खरीदने के लिए, कई सारी बातें होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं फ्लैट खरीदने से पहले, तो आप जब गए थे आपको क्या क्या कहा गया था, क्या क्या चीजें मिलेंगी, कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए उस समय तो ये बिल्डर बायर अग्रीमेंट साइन करवाते हैं और वो इतना मोटा लंबे पन्ने होते हैं जिसमें कि सारी चीज़ें बिल्डर के हित में ही होती हैं और हम लोग तो आम आदमी, हम लोग तो साइन करते चले जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उस समय जो हमारे को टाइम पीरियड बताया गया था 13 से 14 के बीच में, देखिए कोई भी बिल्डर लगभग 36 से 48 महीने का वादा करता है अपना फ्लैट देने के लिए, उसमें भी हम 5-6 महीने और एडिशनल मान ही लेते हैं, लेकिन 9 साल कभी, जो कि नोएडा का जिस तरीके से हाल है और सुपरटेक और बाकी बिल्डर्स का जिस तरीके से हाल है 8-9 साल से, वो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जब आप आते हैं यहाँ पे आपको लगता होगा कि शायद अब अंदर जाना चाहिए, अब अपना घर आशियाना होना चाहिए? बिल्कुल लगता तो है, रोज आके यही दुख होता है कि शायद आज अगर ये वाला घर हमारे को 7-8 साल पहले मिल चुका तो आज तक हम काफी इनकम इससे कमा चुके थे। और जो लोग हम लोगों को तो स्टूडियो फ्लैट है कि देखिए ये मजबूरी है, ये मजबूरी है अभिषेक इन लोगों की जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर कह सकते हैं या आपने आशियाने के तौर पर पैसे तो पहले दे दिए बिल्डर को लेकिन अभी तक घर नहीं मिल पाया है, किन्हीं को घर मिल गया है तो रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। और जाहिर सी बात है ऐसे में जब ईडी की गिरफ्त में है आर के अरोड़ा तो पूछताछ तो चलेगी, आगे केस चलता रहेगा, लेकिन इनको कब जाके कह सकते हैं कि रिलैक्स मिलेगा, कब इनका आशियाना इन्हें वापस मिलेगा, कब रजिस्ट्री होगी, ये सवाल अभी भी खड़े हैं। भावना किशोर हमारे साथ बनी हुई है, उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। भावना जरा पूछिए उन लोगों से कि क्या उम्मीद करते हैं, आर के अरोड़ा अभी तो ईडी की गिरफ्त में, क्या उन्हें उम्मीद है कि उनके जो आशियाने हैं वो उनको मिल जाएंगे वक्त रहते या उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी या किस तरह की कार्रवाई बिल्डर के ऊपर वो चाहते हैं? बिल्कुल श्वेता, पूरी लाइफ आप पैसा कमाइए फिर रिटायरमेंट में सोचिए कि अच्छे से रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, पूरे पैसे सुपरटेक के इस अपार्टमेंट खरीदने में लगा दिया और आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, क्या कहेंगे सर आगे, क्या भविष्य क्या देख रहे हैं? आर के अरोड़ा तो गए फिर जेल, भविष्य तो पूरा अंधकार में ही नजर आ रहा है। यहाँ पे तो कोई भी खुशी में रहता नहीं, सभी टेंशन में ही रहते हैं कि कब हमारे रजिस्ट्री कब होगी हमारे फ्लैट की यूनिट की, तो वो हो नहीं रहा है। यहाँ जब हमने लिया था इसको 2012 में, तभी हमने यहाँ से वेरीफाई किया था, बैंक का लोन मिल रहा था, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से अप्रूवल भी था एंड बिल्डर का काफी नाम भी था उस टाइम पे, तो हमें लगा ये कि इससे अच्छा रेपुटेशन है, इस पर हमें एक अच्छा लाइफ मिलेगा सुपरटेक का, उसमें नाम भी था, लेकिन हमें क्या पता था हम एक ट्रैप में फंस रहे हैं। तो आज इस बात को 12 से 2023 हो गया, 13 में मिलना था पोजीशन 13 सितंबर में, 10 साल हो गए कोई पता नहीं, 10 साल हो गए। अब महिलाएं घर चलाती होंगी, बड़ी जिम्मेदारी होंगी, परिवार का बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई, उनकी मतलब एक लंबा वक्त जो है वो देखिए किस तरीके से गुजर गया है, इसी उम्मीद में कि शायद लोगों ने जो पैसे लगाए हैं उनके आशियाने के लिए वो उन्हें वापस मिले, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा। देखने वाली बात ये होगी कि आर के अरोड़ा तो ईडी की गिरफ्त में है, क्या इन लोगों की परेशानी का हल निकलता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और भावना आप दोनों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए। छोटा सा